हे गाइस, आज एक लेसन करेंगे हम फोटोग्राफ बाय एड शीरन। तो इसको सिंपल वे में हम करेंगे। जो इसके कॉर्ड्स है वो है ई मेजर, सी शार्प माइनर, बी मेजर एंड ए मेजर। अब आप इनको ऐसे भी लगा सकते हैं, ई मेजर, सी शार्प माइनर, बी मेजर एंड ए मेजर, ठीक है। तो लेकिन अगर आप चाहो, जो हम इसको जिस वे में करेंगे वो हम ये वाले कॉर्ड्स भी इसमें लगा सकते हैं, जो मैंने वो अलग किया था इम्प्रेस पीपल विद दी सॉन्ग्स, उसमें जो एक पैटर्न किया था हमने ई मेजर, ठीक है, सी शार्प माइनर की जगह ये हम उसका सस्पेंडेड कॉर्ड यूज़ कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, इस टाइप से। मतलब वो दो फिंगर्स वैसे ही रहने नहीं, एंड ये जो फर्स्ट फिंगर है ये हमने रखनी है फिफ्थ स्ट्रिंग पे, फोर्थ फ्रेट, बस इसी को दो स्टेप नीचे लेके जाएंगे, वन एंड टू, बी सस फोर, ठीक है, जो बी मेजर हम यूज़ कर रहे हैं ऐसे या ऐसे, उसकी जगह हम ये यूज़ कर सकते हैं बी सस फोर, एंड इसी को दो स्टेप नीचे ए सस टू। तो ये चारों कॉर्ड्स का कॉम्बिनेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें पाम म्यूटिंग ही चल रही है, जो हम मेन अपने यहाँ पे करते हैं ऐसे बी स्ट्रिंग्स पे। तो फिर वो इन कॉर्ड्स के साथ भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आप हम इसी में करेंगे इसको, तो सीधे शुरू करते हैं अभी हम, फिर मैं आपको बताता हूँ बाकी सब। Thank you.
तो बस गाइज ऐसे ही चलेगा जो इसका इंट्रो पार्ट था शुरू में, ठीक है। अब आप इसकी जगह ये जो कॉर्ड थे, अगर आपको ये सही नहीं लगेंगे तो आप इनकी जगह नॉर्मल भी लगा सकते हैं, ठीक है। वो इस टाइप से चलेंगे। सो यू कैन कीप मी इनसाइड द पॉकेट ऑफ योर रिप जींस होल्डिंग मी क्लोज टिल आई राइज मी यू विल नेवर बी अलोन एंड इफ यू हर्ट मी दैट्स ओके बेबी ओनली बर्ड्स ब्लीड इनसाइड दिस पेजेस यू जस्ट होल्ड मी सिंपल नॉर्मल ऐसे ऐसे बी मेजर ए मेजर बी मेजर सी शार्प माइनर सी शार्प ऐसे माइनर ये ठीक है बी मेजर ऐसे या ऐसे कैसे भी जो भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। अब गाइज हम इसका इंट्रो देख लेते हैं, बड़ा ज़्यादा आसान है तो इसको हम चार पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा स्टार्टिंग में लेकिन आप इसको बार बार करना हो जाएगा, बेशक एक पार्ट करना पहले फिर दूसरा पार्ट फिर तीसरा एक ही साथ मत करना अगर नहीं होगा। फिंगर्स आप कोई भी कर सकते हैं गाइस, हम नीचे वाली तीन इन स्ट्रिंग्स के लिए साइन करते हैं 1 2 3 एंड ऊपर वाली तीन के लिए थंब, आप किसी से भी कर सकते हैं और कोई भी फिंगर प्लेस कर सकते हैं जैसे जैसे आपको ठीक लगे। मैं आपको जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ ये कैसे बजेगा। 6 1 ओपन 6 एंड 1 फर्स्ट पार्ट के लिए 6 स्ट्रिंग फर्स्ट स्ट्रिंग, फिर हमने फोर्थ अपनी फिंगर रखनी है फोर्थ फ्रेट पे सेकंड स्ट्रिंग 6 1 2 1 6 1 2 1 ओपन 2 ओपन मतलब कोई भी नहीं पकड़ा होता और ओपन स्ट्रिंग 6 1 2 1 ओपन, ठीक है 2 1 थर्ड स्ट्रिंग पे ये हो गया फर्स्ट पार्ट 6 1 2 1 6th string, 1st string, 2nd string, 4th fret, again 1st string, open, 2nd string, open, 2, 1. Now 2nd part, हमने अपनी 3rd finger रखनी है 5th string पे 4th fret, same चीज, again, नीचे वही चलेगा, ठीक है, बस ये change होते जाएगा, 5, 1, वही open, फिर वही, 2 पे वही फोर्थ फिंगर रखनी है फोर्थ फ्रेट पे 5 1 2 1 2 ओपन वही 2 1 जो भी आपको ठीक लगे जैसे जो फिंगर आपको कंफर्टेबल लगे। अब हमने थर्ड पार्ट के लिए अपनी सेकंड फिंगर रखनी है फिफ्थ स्ट्रिंग पे सेकंड फ्रेट सेम वही चीज वही 5 1 ओपन, ठीक है 2 पे वही फोर्थ फिंगर रखी फिर 1 ओपन फिर 2 भी ओपन एंड 2 1 थर्ड स्ट्रिंग पे अब एंड वाले पार्ट के लिए गाइस हमने वही वाली मारनी है 5 1 वही 2 1 2 ओपन 2 1 वही सारी मतलब 5 ओपन थी बाकी सब वही एंड अपनी फिंगर रखनी है 4 स्ट्रिंग पे सेकंड फ्रेट एंड 2 स्ट्रिंग्स मारनी है कौन सी 4th एंड 5 और वो वाला एक ही बार मारना जैसे हम सारे 2 बार मारने थे वो एक ही बार। तो ऐसे ही था, अगर नहीं आपको पता चलेगा मेरे को बताना, फिर से हम इसका इंट्रो ट्राई करेंगे करने की, बाकी कॉर्ड्स आप जो मर्जी लगाएं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कोई इंग्लिश सॉन्ग हो तो मेरे को ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।